अरे फ्रेंड, अरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? मैं आज आपको अपना, यहाँ जहाँ हम रहते हैं एडिलेड में, मैं आपको सिटी दिखाऊंगा। ये सिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मैं आज आपको कुछ दिखाऊंगा, लेकिन वन बाई वन करके उसकी तफसील भी बताता जाऊंगा, लेकिन बाद में दूसरे ब्लॉक के अंदर। आज मैं आपको सिर्फ सिटी दिखाने वाला हूँ, जो कि अभी मैं यहाँ उतरा हूँ। गाड़ी को मैंने उधर पार्क कर दिया है, थोड़ा सा पार्किंग का बड़ा इशू होता है यहाँ पे, मैंने पार्क कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ पूरा सिटी आज आपको। ये बड़ा खूबसूरत सिटी है, और इस सिटी में एक चीज़ और आपको दिखाता चलूँ कि ये यहाँ पे ना वाईफाई जो है वो टोटली जो है ना, समझो कि फ्री होता है यहाँ पे सिटी के अंदर। जब सिटी के अंदर घुस जाते हैं तो यहाँ पे पूरे सिटी के अंदर जो है वाईफाई ओपन हो जाता है और वाईफाई फ्री होता है। तो आज आपको दिखाते हैं जनाब सिटी, ठीक है? चलते हैं। ये देखें जी, अभी आप पहुंच चुके हैं यहाँ पे। देखें, ये देखें, अभी सिटी में उतरा हूँ। यहाँ पे ये रोड है, मेन रोड है इधर। ये और ये पौधा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत पौधा है, और इसके इस मौसम में ये इसके ना पत्ते निकलते हैं, ये ब्लू ब्लू जो ना फूल निकलते हैं, ये पर्पल पर्पल फूल है। और ये देखें ये किस तरह से ये खूबसूरत फूल होते हैं जो नीचे गिरते हैं, ये इतना खूबसूरत है। अच्छा, ये देखें इसकी, यहाँ पे ये स्कूटियाँ होती हैं यहाँ पर। ये बीम नाम की कोई एक ऐप है, ये ऐप जो है डाउनलोड करें और ये स्कूटी जो है कोई भी इसमें जो है अपना क्रेडिट कार्ड मारे और ये पूरा सिटी जो है इस स्कूटियों के ऊपर बंदा कोई भी है। ये देखें, ये देखें, ये सब स्कूटी हैं, ये सब रेंटल हैं। इसमें सिर्फ आपने उसको ऐप डाउनलोड करें और इसको वो कैप भी दी हुई है ऊपर पहने, और पूरा सिटी आपने घूमना है तो आप इसके ज़रिए से आप पूरी सैर कर सकते हैं। जहाँ भी जाना है आपने घूम फिर के आए, और दो चार डॉलर जो भी खर्चा आता है वो करके, तो ये जब मैं समझो कि आप अपने अपना थकते भी नहीं है और घूम फिर के आ जाते स्कूटी के ऊपर। तो ये देखें आप, ठीक है? इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने भी है, ये है हमारा स्टार्टिंग का टीएफ है, कॉलेज है, कैंपस है। ये आपको दिखाता हूँ, ये मेन कैंपस है यहाँ का, ये वाला, ये वाला, ये मैं किसी दिन आपको पूरा ये विजिट कराऊंगा, ये टेफ का। ये गवर्नमेंट समझो कि गवर्नमेंट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये जो भी माइग्रेट स्टूडेंट्स आते हैं ये उनके लिए होता है, उनको दिखाते हैं। ये ना उनके लिए होता है कि वो यहाँ पे आके इंग्लिश लर्न कर रहे होते हैं इस दायरे के अंदर। ये बहुत बड़ा है, आपको मैं किस दिन इसका फुल विजिट कराऊंगा इसका। चलें, चलते हैं आगे, आपको लेके चलता हूँ मैं। अब सिटी आपको दिखाने निकलता हूँ अभी, ठीक है? थोड़ा सा ट्रैवलिंग थोड़ी लंबी है, लेकिन कोई बात नहीं, आज आपको सिटी दिखाता हूँ मैं। चलते हैं। ये देखें, वही स्कूटियाँ आपको दिखा रहा था ना मैं, ये देखें ये स्कूटियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं इसी तरह। ये लोग यहाँ पे समझो कि आज संडे है, संडे की वजह से गाड़ियाँ जो ना ये पार्किंग उन्होंने यहाँ पे की होती है साइडों पे, संडे सैटरडे जो पार्किंग साइडों पे कर सकते हैं, वरना पार्किंग का बड़ा बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ पे। यहाँ पे मैं 600 डॉलर का मैंने चालान करवाया हुआ यहाँ पे। अब तो मैं सिटी की तरफ गाड़ी लेके नहीं आता, ठीक है? ये दिखा रहे हैं जी आपको, देखें देखें, चलते हैं। अच्छा, ये जो बूथ बने हुए ना, ये बस के हैं, ये बसेस के होते हैं। यहाँ पे बसें जो हैं वो स्टॉप करती हैं और उसके बाद यहाँ से फिर पैसेंजर उनके ऊपर बैठते हैं। मैं आपको बसेस का दिखाता हूँ, एक चीज़ और भी दिखाता हूँ आगे जाके, वो देखिएगा। तो बसेस किस तरह से हमें समझो साथ साथ ही पता चलता जाता है कि 5 मिनट में, 3 मिनट में, 10 मिनट में बस आ रही है, तो हमें कोई वेट नहीं करना पड़ता यहाँ पे। को आपको दिखाता हूँ, चलें जी। ये बस स्टॉप आ गए, मैं अभी आपको दिखाने लगा था कि बस का क्या, कैसे क्या, बस किस तरह से पता चलता है कि बस कौन सी आने वाली आ रही, कौन सा नंबर जो है किस तरफ जाता है, वो सारा पता होता है पैसेंजर्स को कि हमारा नंबर कौन सा है, हमारे घर की तरफ कौन सा आता है। तो वो आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, आपको दिखाता हूँ, ये देखें कि अब इसमें देखें कि ये थोड़ा सा खराब हुआ है, लेकिन इसमें नज़र आ रहा है कि 117 जो है पोर्ट एडलेट है, ग्रैनल कौन सी जा रही है, ये सारे सब ये लिखे हुए हैं। तो कितने मिनट में आ रही है, सारे मिनट भी साइडों पर लिखे होते हैं।
ठीक है, ये बस है, बस ठीक है जी, बस स्टैंड है ये, बस स्टैंड। ठीक है, तो इसके बाद आपको दिखाते हैं कि बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंगें हैं। ये देखिए गोल्ड ब्रॉक वॉट, एंड ये देखिए 1843 की कोई बिल्डिंग है, ये वाली फाउंडेड हुई हुई है। तो ये भी किसी दिन दिखाऊंगा मैं, ठीक है आपको। ये आज जरा सिटी आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए सिटी, ये एडिलेड सिटी है ऑस्ट्रेलिया का जी। दोस्तों मैं अभी थोड़ा सा पहुंच चुका हूँ सेंट्रल में सिटी के। ये देखें, ये रोड है, चारों तरफ रोड चल रहा है ये वाला। ये देखें, एक रोड सीधा चला जाता है, एक इधर चला जाता है। इतना तो नहीं मैं घूम सकता, लेकिन मैं आपको ये है कि ये मैं दिखा सकता हूँ वन बाई वन करके। ये बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है ये देखें आप। आज आपको इस साइड पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे इस साइड पे विक्टोरिया स्क्वायर है, मैं आपको दिखाऊंगा विक्टोरिया स्क्वायर। ये देखेंगे गुड लाइफ, ठीक है जी, हेल्थ क्लब्स, ठीक है जी, ये हेल्थ क्लब बना हुआ है इसके अंदर। इसमें होगा कि जिम शिम बने होंगे, कंसल्टेंट डॉक्टर बैठे होंगे, वो बताते होंगे, टिप्स बताते होंगे, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज आपको सिटी दिखा रहा हूँ मैं, ये देखें। ये देखें, ये आपको आज मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ विक्टोरिया स्क्वायर, ठीक है जी। सिटी की मेन जगह है जहाँ पे जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं ना, ठीक है, जो के समझो के मल्टी कल्चरल जो होते हैं वो यहाँ पे। ये गेमिंग रूम जो होते हैं ना, ये समझो के यहाँ के एक जुआ खाना होते हैं। यहाँ पे सब अंदर जुए खाने और हर किस्म की गेम हो रही होती है, ताश, प्ले कार्ड, पुराने टमकानी, सब हर चीज़ चल रही होती है, बाहर बने होते हैं, ये होते हैं। चलिए जी, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ भी। ये देखें, ये समझो कि लाहौर च भी घंटा घर से, फैसलाबाद भी घंटा घर से, अभी कोई घंटा घर ही बने इतने। ये भी देखें जी, ये देखिए क्रिसमस भी उन्होंने बिल्डिंग को थोड़ा सा सजाया, भी डेकोरेट भी हल्का सा किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। और ये इसी तरह ये आ रहे हैं, ये इधर रोड चला जाता है, ये इस तरह ये काफ़ी लॉन्ग है। ये इसको बोलते हैं किंग विलियम स्ट्रीट, ये जो है ना ये किंग विलियम स्ट्रीट है जहाँ मैं पहुँचे अभी, ठीक है। अब ये जब ट्रैफिक लाइट सिग्नल खुलेगा तो फिर मैं वॉक करके दूसरी तरफ जाऊँगा। देखिए आज आपको हम दिखा रहे हैं किंग विलियम स्ट्रीट है ये वाली, और सिटी दिखा रहा हूँ मैं इसकी, जो मेन जो स्ट्रीट है किंग विलियम स्ट्रीट है, जिसमें जो है काफ़ी जो है वो लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। और अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ विक्टोरिया स्क्वायर, ये समझो कि विक्टोरिया स्क्वायर अभी पहुँचने वाले हैं, ठीक है जी। इधर दूसरी साइड पे देखें तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई हुई है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है। रोड ब्लॉक किया हुआ है दूसरी साइड से उन्होंने, कुछ तोड़ फोड़ हो रही है या कुछ सेटिंग कर रहे हैं जैसे भी है। बाकी यहाँ पे देखें, किस दिन आपको एक वो भी स्ट्रीट में दिखाऊंगा जहाँ पे क्लब बने हुए हैं, शाम को आऊँगा वहाँ पे, सारे क्लब भी हैं वैसे, ठीक है। और वहाँ पे हर किस्म का समझो के बशिंदा आता है, हर दुनिया भर से लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते फिरते हैं, ठीक है जी। अभी आपको मैं ये देखें, ये सामने जब क्रिसमस ट्री नज़र आ रहा है ना आपको, ये है जी विक्टोरिया स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। यहाँ देखें,
ये विक्टोरिया स्क्वायर है, वहाँ पहुँच चुका हूँ मैं। ये बॉस जाया मैंने, उन्होंने चलो आज भी आपको इसका विज़िट कराता हूँ मैं, ठीक है, विक्टोरिया स्क्वायर का भी। ये देखें, ये विक्टोरिया स्क्वायर है, इसको मैं इधर से थोड़ा सा दिखा दूँ आपको मैं। ये देखें बिल्डिंग है, देखें, ठीक है। इसी तरह ये इस साइड पे चले जाते हैं, इधर भी है। तो ये आज सिटी आपको मैं दिखाया थोड़ा सा, इधर भी एक घंटा घर बना हुआ है, ये देखें जी, ये देखें स्टैचू कुछ बना हुआ है, ठीक है। कैप्टन क्या लिखा हुआ जी, कैप्टन, चलो आपको दिखाई देते हैं, चार्ल्स स्टर्ट। अच्छा, कैप्टन चार्ल्स स्टर्ट है, और कैप्टन चार्ल्स स्टर्ट के नाम से यहाँ पे जो है काउंसिल्स बनी हुई हैं, जैसे काउंसिल्स हैं हमारे ज़िला काउंसिल्स है, या वो बने होते हैं वो क्या नाम उसका, ये काउंसलर जहाँ बैठते हैं, ठीक है ना, तो वो काउंसिल्स बनी हुई है, चार्ल्स स्टर्ट एक एरिया है उसको बताया हुआ है। ये देखें कितना खूबसूरत है, यहाँ पे लोग बैठते हैं आगे, ये कबूतर हैं, ठीक है। आज मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है, वरना गर्मी यहाँ चल रही है सीज़न, ठीक है। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, उधर चलता हूँ, ठीक है। अभी ये खुल गया था, लेकिन फिर दोबारा मैं उधर चला गया था तो बंद हो गया। ये देखें, तो मैं थोड़ा सा बात के इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये मैं आ गया, ये हो गया। ये जो है ना, ये ट्रैम चलती है अंदर ही अंदर, वो जिस पे हम पहले भी दिखा चुके हैं वीडियो। अच्छा, ये देखें, इन्होंने पैजेंस बनाए हुए हैं, इसको पैजेंस बोलते हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत ट्री बनाया हुआ है इन्होंने। और ये देखें, ये सारे पैजेंस बनाए हुए हैं, ये क्रिसमस है। ये विक्टोरिया स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ना इवेंट यहाँ पे होते हैं, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, मैं यहाँ पे कई बार आया हूँ, यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, यहाँ स्टॉल लग जाते हैं बड़े बड़े, और लोग आते हैं एंजॉय करते हैं, ठीक है जी। ये देखिए डेकोरेट काफ़ी किया है उन्होंने, ठीक है। वो अभी तो शाम के वक्त ज़्यादा ज़्यादा रौनक होती, मैं आज ज़्यादा सुबह आ गया था, ठीक है। हैव अ क्रैकर ऑफ क्रिसमस, ठीक है जी। ये देखें वो लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये डेकोरेट किया हुआ है। चलें आपको आगे लेके चलता हूँ मैं, ये विक्टोरिया स्क्वायर है, ये एरिया जो जहाँ पर पहुँच गया मैं। अच्छा जी, ये देखें जी, आपको और पुरानी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये विक्टोरिया स्क्वायर के पास ही है। ये देखें, ये बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है, बहुत पुरानी पुरानी। अब ये पता नहीं क्या है, चर्च बना है या क्या है, चर्च है, आई थिंक चर्च है ये वाला। ये बहुत अच्छा, ये सिटी ऑफ चर्चेज है, एडलेड जो है ऑस्ट्रेलिया का, पूरे ऑस्ट्रेलिया का, इसको बोलते हैं सिटी ऑफ चर्चेज। तो ये यहाँ इतने चर्चेज हैं कि जिसकी इंतहा ही नहीं है, हर गली में हर मोहल्ले में ऐसे गुजरो तो वहाँ चर्च होता है। तो यहाँ पे बहुत पुराने पुराने सन 1800 के भी चर्च मौजूद हैं। अब ये देखें विक्टोरिया स्क्वायर का, मैं आपको एक बना हुआ है हॉनर सर एडविन थॉमस स्मिथ, ठीक है। ये देखें जी, ये विक्टोरिया स्क्वायर इसको बोलते हैं, ये विक्टोरिया, ये देखें, ये मैडम विक्टोरिया की तस्वीर बनी हुई है, और ये देखें जी विक्टोरिया आ रहा है, और ये इसकी हिस्ट्री है। ये 1894 में समझो कि इसको प्रेजेंटेड बाय ऑनरेबल जो सर थे एडविन थॉमस, उसका नाम था, ये उन्होंने इसको नाम विक्टोरिया स्क्वायर इस एरिया को दिया हुआ, ठीक है जी। अभी चलते हैं जी, आपको वो सामने लेके। अच्छा, इसकी मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ मैं, वो देखें इतना बड़ा सेंटा क्लॉस बनाया हुआ है, वो देखें, वो फ्लैग भी बहुत सारे लगे हुए हैं, देखें वो सामने बहुत बड़ा सेंटा क्लॉस है, और बहुत बड़ा मॉल है यहाँ पे, वो सेंटा क्लॉस बना हुआ है। चलें क्रॉस करते हैं, आगे चलते हैं।
अच्छा जी, ये देखें जी, अभी आपको मैं लेके जा रहा हूँ। ये विक्टोरिया मेन, या मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये विक्टोरिया स्क्वायर यहाँ का मेन एक स्पॉट है, जो कि खूबसूरत भी है, समझो कि हर तरह से लोग यहाँ आके बैठते हैं, गपशप लगाते हैं और रेटें भी मारते हैं यहीं पे, गपशप लगा के उसको एंजॉय करते हैं लाइफ को, और उसके बाद जनाब अपने घरों को। ये आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने एक फुहारा लगाया हुआ है, ठीक है, उधर लेके जाता हूँ आपको मैं, फिर मैं अपने ब्लॉग को क्लियर। देखिए मैं आज कितना समझो कि वॉक करके आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि चलो आप आज को सिटी के शहर सैर कराऊँ, तो लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स आपने ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करें हौसला अफजाई के लिए। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से ये देखें आप, आपको अब इधर मैं लेके आ गया हूँ, आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये है जी विक्टोरिया स्क्वायर है हमारा, ये देखिए जी वाटर हो रहा है इसमें, ये विक्टोरिया स्क्वायर है, बहुत ही खूबसूरत है। और वो देखें जी फ्लावर भी, क्यारियाँ बनी हुई हैं फ्लावर की, बहुत ही खूबसूरत है फ्लावर की, ठीक है, फ्रेश फ्लावर है। ठीक है चलें जी, मैं आज आपको ये भी दिखा दिया है। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखें, और ये देखें आप, देखते जाएं, ये विक्टोरिया स्क्वायर है, यहाँ पे बहुत बड़ा, जब स्टॉल लग जाते हैं कोई 50-100 स्टॉल अपने अपने लोग लगाते हैं, बहुत बड़ा मेले लग जाते हैं यहाँ पे। आप ज़िंदगी रही तो आपको ज़रूर वो मेले भी दिखाएंगे, यहाँ जो लगते हैं मेले, मल्टी कल्चरल मेले लगते हैं, जिसमें पूरी दुनिया के लोग अपने अपने स्टॉल लगाते हैं, अपने अपने ट्रेडिशनल फूड होते हैं, कपड़े होते हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें फिर दिखाते हैं। ठीक है जी, ये है कि ठीक है, ये देखें चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच जी। दोस्तों अभी ट्रैम आ चुकी है, मैं अभी ट्रैम पे बैठूंगा, ये मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं काफ़ी चल के आया हूँ, तो ये मुझे आगे उतार देगी ट्रैम, तो मैं इस पे सफ़र करके फिर आपको लेके चलता हूँ आगे, इस पे सफ़र करके अगले स्टेशन पे उतरूँगा। और ठीक हो गया जी, ओके। यस हाय फ्रेंड, मैं पहुंच चुका हूं, ठीक है, दूसरे स्टॉप पे, ये ट्रैम थी जिसमें मैं बैठ के अभी वहां पहुंचा हूं, तो ये अभी जाने लगी है, ये जब जाएगी तो फिर मैं रोड क्रॉस करूंगा, रोड क्रॉस करके फिर मैं अपनी गाड़ी की तरफ जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, आज मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोग जो है आगे इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि लोग आगे मेरे आने वाली वीडियो जो है वो देख सकें। सो थैंक यू सो मच अगेन।